तो आज हमारे किचन में बन रहा है सोयाबीन की सब्जी। तो सोयाबीन की सब्जी ये इजी मेथड है जो आज हम बनाएंगे। तो देखते हैं हम इसे क्या क्या चाहिए हमें सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कप सोयाबीन लिया है जो मैंने भिगा कर रखा था और इसे इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। और इसमें मैंने एक आलू भी लिया है और यहाँ पर एक तेज पत्ता, अदरक लहसुन को मैंने चॉप कर लिया है, आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो। यहाँ पर मैंने ऑनियन लिया है और 3 हरी मिर्च ली है, हमने 2 ऑनियन लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर बारीक चॉप किया है और ये नमक स्वाद अनुसार, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला और हरा धनिया। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर गैस पर कुकर को चढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे। तो हमारा ऑयल जब गर्म हो जाए उसमें एक तेज पत्ता डालना है। उसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच जीरा डालना है। जीरा हमारा जब अच्छे से पक जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे हमारा चॉप किया हुआ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को हम थोड़ी देर तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर, ताकि उसका फ्लेवर अच्छे से निकले। उसके साथ हम वो अच्छे से जब हो जाएगा तो उसमें हम थोड़ा हरी मिर्च भी डाल देंगे। हरी मिर्च अच्छे से पक जाए, ये तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें तेल में थोड़ा देर पका लेना है, आधा मिनट के लिए। आधा मिनट हाई फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये हमारा चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमें हाई फ्लेम पर कम से कम भी 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं होता। हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन करना है। तो इसे आप हाई फ्लेम पर पकाइए, हाई फ्लेम पर ये जल्दी पक जाएगा। तो हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को डालने के बाद हम इसे आधे मिनट के लिए थोड़ा तेल में पका लेंगे। आधे मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे ये नमक, जो आप अपने स्वाद अनुसार लीजिए। और इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तो इन सारे मसालों को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमें इसमें इसे अच्छे से मिक्स करना है तेल में, जब तक ये मसाला थोड़ा पक जाए। उसके बाद इसमें हम ये आलू हम छोटे-छोटे कट कर लेंगे। आपको जैसा पीस चाहिए वो हिसाब से आप कट कर लीजिए। उसके बाद आलू को हम कट करके इसमें ऐड करेंगे। आप भी अपने घर में बनाइए, बहुत ही इजी है और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आलू ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि हमारा आलू थोड़ा अच्छे से गल जाए, उसमें हमारे टमाटर भी गल जाए। तो 2 से 3 मिनट हो चुका है। देखिए फ्रेंड, हमारा टमाटर अच्छे से पक गया है, टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गया है, आलू भी हल्का सा पक गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये सोयाबीन। सोयाबीन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से घुमाइए। सोयाबीन मसाले के साथ ऐड करते हैं तो सोयाबीन में इस मसाले का फ्लेवर अच्छे से एब्जॉर्ब होता है और सोयाबीन का टेस्ट भी थोड़ा बढ़ता है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए सब्जी को और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मिक्स करने के बाद इसमें हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए आप वो हिसाब से पानी डालिए।
आपको थिक सब्जी चाहिए या थोड़ा रसेदार सब्जी चाहिए वो हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से पानी डालूँगी। अगर आप चपाती के साथ खाना चाहते हो तो इसमें कम पानी ऐड कीजिए, अगर आप चावल के साथ खाना चाहते हो तो थोड़ा पानी अच्छे से डालिए ताकि इसमें ग्रेवी हो सके। इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसमें हम इसे थोड़ा बॉईल होने देते हैं, हमारा ग्रेवी अच्छे से बॉईल होना चाहिए। तो ये अच्छे से बॉईल हो रहा है, अब इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको ढक्कन लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे 2 सीटी आने तक पकाना है। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा सब्जी रेडी हो गया है। आप कुकर को जब तक उसका विसल नहीं जाता तब तक ओपन मत कीजिए। तो हमारा गर्मा गर्म सोयाबीन आलू की सब्जी रेडी हो गई है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये सब्जी कैसी लगी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।